राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान बुधवार को बड़ा हंगामा हुआ, जो रात होते होते इस कदर बढ़ा कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई। पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और नरेश मीणा मौके से फरार हो गए। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद मामला गर्मा गया। तो आइए आपको बताते हैं दिन से रात तक का ये पूरा घटनाक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा। कांग्रेस से बगावत के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने आरोप लगाया था कि EVM में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। उनका कहना था कि ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। इसी मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करने जब वो सामर्था बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अधिकारियों से गाली गलौच भी की। बवाल इस कदर मच गया कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई और इसी दौरान नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद RAS अधिकारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पेन डाउन की हड़ताल की जाएगी। इधर SDM को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पर नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। गुस्साई भीड़ ने पुलिस के कुछ वाहनों पर आग लगा दी और इसी दौरान 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। STF के 3 जवानों के सिर फूट गए। हालांकि नरेश मीणा फरार हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा कि मैं ठीक हूं, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। STF के जवान टोडा राइसिंग के जितेंद्र चावला, टोंक निवासी महिपाल और मुकेश घायल हुए हैं, जिनको उनियारा से टोंक रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने कल रात को एक वीडियो भी जारी करते हुए जनता से अपील की थी कि फावड़ा कुल्हाड़ी गैंती जो भी मिले लेकर सामर्था पहुंचे। आप सब लोग लट पटंगों के साथ, गेंती फावड़ों के साथ और जो हमारी होती है ना तीन तीन वो क्या बोलते हैं तीन उसकी आखड़ी और जेड़ा, उनको लेकर समरावता पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। अब इसके बाद नरेश मीणा गुरुवार सुबह समरावता गांव पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैंसला और लालू प्रसाद यादव की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी नेताओं ने संघर्ष की राजनीति की है। हालांकि उनके सबसे पसंदीदा नेता सचिन पायलट ही है। उनका कहना है कि वो आज भी पायलट को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। हमने उस व्यक्ति ने 3 लोगों को जबरदस्ती लेकिन उसके ऊपर बच्चा दलित महिला के अत्याचार भी करे थी और राजनीति में। उसके बाद भी फिर मैं इसी मंच के बाद चाह पे देखा हूँ सर लोग यहाँ पे मैंने इसमें तो बात कर ली, यही बेटर होने के बावजूद
किसी प्रकार स्कूल नहीं आया, ये आने के बाद हमने खाना मंगाया खाई पंख लगे खाना, लेकिन हम जब पिकअप हो गए के बाद में अब इसी बयान के बाद नरेश मीणा को गुरुवार दोपहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के एडीजी विजय बंसल भारी पुलिस बल के साथ करीब 12 बजे समरावता गांव पहुंचे। उन्होंने पहले नरेश मीणा को सरेंडर करने के लिए कहा, मगर उनके समर्थक पुलिस का विरोध करने लगे, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला बिगड़ने से पहले पुलिस ने नरेश मीणा को एक बख्तर बंद गाड़ी में बैठाया और तुरंत वहां से निकल गई। अब आपको बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 23 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, हाईवे जाम, पत्थरबाजी और चोरी के मामले शामिल हैं। 7 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारी बाकी है। वहीं 6 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि अब एक नए मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। टोंक के एसपी विकास सांगवान ने बताया कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें कल हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे। आप देख रहे थे नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा।